वीडियो 9H लेसन 9 यूनिटरी मेथड। आज हम इस वीडियो 9H में लेसन 9 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 5 और 6 सॉल्व कर चुके हैं, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 है। द कॉस्ट ऑफ 3 मीटर क्लॉथ इज रेट 453 रुपीस। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 12 मीटर क्लॉथ। क्वेश्चन सिंपल है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोग ना समझ पाएँ। क्वेश्चन में कह रहे हैं, फिर आपको हम अगेन समझा रहे हैं। द कॉस्ट ऑफ 3 मीटर क्लॉथ, 3 मीटर क्लॉथ का जो कॉस्ट है वो 453 रुपये। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 12 मीटर क्लॉथ, 12 मीटर क्लॉथ का प्राइस आपको निकालना है, ठीक है। अच्छा तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन सिंपल है तो क्वेश्चन को सिंपल तरीके से ही किया जाए तो बेस्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो प्रोसेस फॉलो करते हैं वो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, एक बार नहीं कई बार। तो सबसे पहले हम कॉस्ट ऑफ 3 मीटर क्लॉथ जैसे कि लिखा है इसमें लिख दिया, उसके बाद 1 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट लिख दिया। जैसे 3 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट आपको दी है, तो सबसे पहले हम 1 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट जब निकालेंगे तो 3 से 453 को डिवाइड करिए। तो 453 को डिवाइड किया है 3 से, तो डिवाइडेशन करना आप सब जानते हैं, आई होप कि मुझे लगता है कि आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो डिवाइडेशन करना सभी जानते हैं स्टूडेंट्स, तो डिवाइडेशन जब करेंगे तो कितना आएगा, ऐसा क्वेश्चन कितना आएगा, 151। तो 151 ऐसा क्या है, डिवाइडेशन वो है क्वेश्चन। तो जो क्वेश्चन होता है एक तरह का वही एक आंसर, या आप नेक्स्ट स्टेप मान लीजिए उसकी आप, ठीक है। तो 1 मीटर क्लॉथ का जो कॉस्ट है वो 151 है, ठीक है। तो मैंने पहले डिवाइडेशन किया जिस तरह से हम करते हैं। तो 1 मीटर क्लॉथ का कॉस्ट अब हमको पता लग गया। अब हम यहाँ से 10 मीटर, 15 मीटर, 12 मीटर, 100 मीटर कितना भी हमसे पूछे हम निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन का करने का यही मेथड है और ये सबसे इजी मेथड है, आप इजी मेथड को फॉलो करेंगे आप, ठीक है। तो क्या है, अब कॉस्ट ऑफ 12 मीटर क्लॉथ, तो 1 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट आपको पता लग गई ना, तो 12 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट आप क्या करेंगे, तो 151 की मल्टीप्लाई 12 से कर देंगे। अगर यहाँ पर 10 पूछते तो 10 से कर देते, 15 पूछते तो 15 से कर देते। क्वेश्चन सिंपल है, क्वेश्चन को आप उलझाने की कोशिश मत करना, ठीक है। अब जितना उलझाओ क्वेश्चन को उतना आप उलझेंगे। क्वेश्चन जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे करो, स्टेप बाय स्टेप इजी हो जाएगा। क्वेश्चन हमको इजी बेसिक करना है, ना कि डिफ़िकल्ट बेसिक करना है। तो क्या है, 12 मीटर क्लॉथ की जो कॉस्ट आई वो कितनी आई, हमने 12 की मल्टीप्लाई 151 से की तो कितना आया, 1812। तो 1812 रुपीज़ इस तरह से सॉल्व करना। आई होप कि क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा, समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन हम तो आपको बहुत इजी वे से समझाते हैं और हम तो कोशिश करते हैं आपको क्वेश्चन बहुत इजी वे से ही समझा जाए। क्वेश्चन नंबर 8 है, ए बॉय कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 16 किलोमीटर इन 4 आवर्स। तो 16 किलोमीटर डिस्टेंस है वो 4 आवर्स में कवर करता है। हाउ मच टाइम विल ही टेक टू वॉक अ डिस्टेंस ऑफ 120 किलोमीटर। तो 20 किलोमीटर कितने घंटे में कवर करेगा। क्वेश्चन सिंपल है, क्वेश्चन आपको समझ, आई होप कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो टाइम टेकन, टाइम आपको दिया है वाई अब वाई टू कवर 60 किलोमीटर, 16 किलोमीटर कितने घंटे में करता है, 4 आवर्स में करता है। तो 1 किलोमीटर कितने घंटे में करेगा, तो 4/16 यानी कि 1/4 आवर्स में, 1/4 आवर्स में। समझ रहे हैं बात को आप, 1/4 आवर्स में समझ गए। 15 मिनट्स कह सकते हैं या 1/4 आवर्स, तो अभी आप आवर्स में ही रहने दो उसको, मिनट्स में कन्वर्ट ना किया जाए इसको तो वेस्ट है, क्योंकि मिनट्स में कन्वर्ट करोगे तो आपको फिर आपको आवर्स में कन्वर्ट करना होगा, तो अभी आवर्स में रहने दो, ठीक है। तो 1/4 रहने दो। अब टाइम टेकन वाई अब वो आई टू कवर 120 किलोमीटर, तो 120 की 1/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आप जितनी भी किलोमीटर यहाँ से
पूछ रहे हैं उतने से आप उतने किलोमीटर की 1/4 से आप मल्टीप्लाई कर दो। सिंपल, जो हम अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में किया और जो हम क्वेश्चन करते चले हैं वैसे ही करना आपको, ठीक है। तो 1/4 की मल्टीप्लाई जब 120 से की तो 30 आवर्स में कवर करेगा। तो 120 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो 30 आवर्स में कवर होगी। तो ऐसे करना है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन सिंपल है, क्वेश्चन को इजी बेस से किया जाए, ठीक है। आई होप कि क्वेश्चंस आपको समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन समझने में कोई प्रॉब्लम, इस तरह का कोई डाउट हो तो हम उसे क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आपके स्कूल आपके क्लास ओपन होने वाले हैं तो अपना वर्क कंप्लीट रखें, और ऐसे स्टूडेंट्स जिनका वर्क कंप्लीट नहीं है तो वो अपना वर्क कंप्लीट कर लें। और किसी स्टूडेंट्स को क्वेश्चन ही समझ में आ रहा है, एनीवन एनी लेसन इज़ नॉट कंप्लीट वर्क, तो मुझसे कह सकते हैं सर मेरा वर्क कंप्लीट नहीं, तो मैं इसमें आपके हेल्प करूँगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, बाय।